समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे साथ मौजूद, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, ठीक एक हफ्ते पहले जो रिजल्ट आया था, आपने उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखा, नया पन्ना इतिहास में आपने जोड़ दिया, कैसे इतिहास बनाना संभव हो पाया सर? देखिए, चुनाव जनता ने लड़ा और जनता ने ये महसूस किया कि उसका संविधान, उसके हक अधिकार खतरे में हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ। और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। जहां हम लोग खड़े हैं, फरक्काबाद बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रशासन ने और खास करके वहां के जिलाधिकारी ने, जिलाधिकारी पर क्या दबाव रहा होगा, जिलाधिकारी ने क्या समझा होगा, क्या बेईमानी रही होगी जिसके कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उसने जानबूझ करके हराया। ये बातें भूलने वाली नहीं है कि जो अधिकारी अपने पद पर रह करके, जिसको सब भरोसा करते हैं कि आईएएस हैं, आप अधिकारी हैं, निष्पक्ष करेंगे, निष्पक्ष तरीके से फैसला देंगे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि जिलाधिकारी और वहां के प्रशासन पे न जाने किस बात का दबाव था कि जहां समाजवादी पार्टी जीती उसको हरा दिया। न केवल फरक्काबाद में, अलीगढ़ में भी यही घटना हुई है जहां पर लाठीचार्ज हुआ, न जाने क्या क्या करा प्रशासन ने, उसके बाद परिणाम बदल दिया। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत कम वोटों से हारे, बांसगांव के लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जनता ये सब देख रही है, आने वाले समय में इन सबको लाखों लाखों वोट से जनता जिताएगी। ये बेईमानी भी करना चाहेंगे तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। आपके पास संसाधन कम थे, टर्निंग प्वाइंट कौन सा मानते हैं आप इलेक्शन में, टर्निंग प्वाइंट कौन सा प्वाइंट था जहां से इलेक्शन बिल्कुल उलट गया और आपके पक्ष में आ गया? देखिए, जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, चाहे वो डबल इंजन की सरकार रही हो, ट्रिपल इंजन की सरकार रही हो, दिल्ली वाले रहे हों, लखनऊ वाले रहे हों, जनता मन बना चुकी थी कि उन्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीडीए के अधिकारों को छीना है, उनके हक को छीना है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे और जो बड़े बड़े झूठे वादे इन्वेस्टमेंट में किए थे, कम से कम जमीन पे इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। आखिरी सवाल सर, पीडीए जारी रहेगा? न केवल पीडीए, और पीडीए का विस्तार कैसे हो, पीडीए में जो सब लोगों को शामिल, उनके हक अधिकारी की जानकारी और दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला और झूठे वादे किए, उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश समेत देश में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, लखनऊ।